तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृपा और आप देख रहे हैं क्विक सॉल्यूशन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जो हर स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला जो एप्लीकेशन है वो है फोटोमैट, दूसरा जो है वो है स्पीच नोट एंड तीसरा जो है वो है गूगल ट्रांसलेट। आइए जानते हैं डिटेल से इन तीन एप्लीकेशन के बारे में। चलिए चलते हैं। तो अभी हम स्क्रीन पे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फोटो मैच जो है उसे डाउनलोड कर लेना है। ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, आपको प्ले स्टोर में ही मिल जाएगा। तो चलिए प्ले स्टोर पे चलते हैं और यहाँ पे आपको टाइप करना है फोटो मैच। फोटो मैच टाइप करने के बाद इस तरह का जो है एप्लीकेशन ये आ जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को आप यहाँ से जो है प्ले, चलिए हाँ देखिए 22:9 इसका जो सोल्यूशन है वो इसने दिखा दिया। ठीक है, तो आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जैसे कि चलते हैं यहाँ पे 45, इसका सोल्यूशन नन ऑफ दिस होगा क्योंकि इस तरह का कोई आंसर नहीं है इसमें। 48, 55, 45, 35, नन ऑफ दिस, तो यह इसका आंसर ई ही होगा। चलिए दूसरा कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। 216.9 देखिए इसका आंसर है, उसमें आंसर नंबर बी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों ये काफ़ी हेल्पफुल होगा हम सभी स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए दूसरा कुछ ट्राई करते हैं। जिससे कि सपोज अगर ये होता है तो देखिए इसे भी इसने स्कैन कर दिया। तो दोस्तों इस तरह ये सॉफ्टवेयर आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी जो इक्वेशन है मैथ्स का सॉल्व करने के लिए। और दूसरा जो एप्लीकेशन हमने बताया है अपने चैनल में वो है स्पीच नोट। तो चलिए स्पीच नोट पे चलते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा इसे प्ले स्टोर से, स्पीच नोट SPEECH NOTE स्पीच नोट्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर होगा क्योंकि जो भी आपका स्कूल टीचर या लेक्चरर स्पीच देता है आपके क्लास में उसे आप डायरेक्टली से डाउनलोड कर सकते हो, एज ए नोट की तरह इंस्टॉल हो चुका है। ये इंस्टॉल होने के बाद इसे आप ओपन कर लें। हेलो, यहाँ पे लिखा आ रहा है क्लिक द माइक्रोफोन टू स्टार्ट डिटेक्टिंग नोट दैट यू माइट नीड टू चेंज द लैंग्वेज। ग्लोब की और राइट मेन्यू, यूज द पंचुएट की। यहाँ पे कहा गया है माइट नीड टू चेंज द लैंग्वेज, ग्लोब की और राइट मेन्यू। यहाँ पे आपको वॉइस का जो है वो दिख रहा होगा, ऑरेंज कलर में है, उसे आपको टैप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे टैप करके अपना वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ, किस तरह नोट डाउन करता है देखते हैं इसे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक द माइक्रोफोन टू स्टार्ट डिटेक्टिंग। माइक्रोफोन को ऑन रखें डिटेक्ट करने के लिए, प्लस इंटरनेट कनेक्टिविटी जिस तरह आपका जैसे होगा उसी तरह ये काम करेगा। लैंग्वेज के लिए इंग्लिश, एस्पेनिया, अफ्रीकन्स, बुल्गेरियन, मल्लू, कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हो यहाँ से, जो भी स्पीच को आपको नोट में कन्वर्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कीबोर्ड है यहाँ पे नीचे में देखने को मिलेगा, यहाँ से आप मैन्युअली टाइप कर सकते हो। प्लस उसके बाद यहाँ में जो है यहाँ से आपको जो F1, F2, F3 जो भी ऑप्शन है आपको मिलेगा,
यहाँ से चलिए माइक्रोफोन पे टैप करते हैं। जो तीसरा एप्लीकेशन के बारे में मैंने कहा था जो गूगल ट्रांसलेट है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा एप्लीकेशन है हम सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है और कोई भी लैंग्वेज सीखना काफ़ी आसान हो सकता है आपके लिए गूगल ट्रांसलेट के द्वारा। सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर में चले जाएँ। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट लिखें। लिखने के बाद इस तरह गूगल ट्रांसलेट का जो ऑप्शन है आपको आ जाएगा, जो एप्लीकेशन है वो आ जाएगा। उसके बाद इसे इंस्टॉल कर ले। इसे तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो चलिए इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखने को मिलेगा आपको इंग्लिश टू चाइनीज ट्रेडिशन। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, अफ्रीकन, जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो कन्वर्ट करना है जो लैंग्वेज, इस तरह वो सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज़ मैं हिंदी ले लेता हूँ, तो इंग्लिश टू हिंदी। मैं इंग्लिश में यहाँ टाइप करता हूँ, हाउ आर यू, ठीक है ना। उसके बाद वो पे प्रेस कर देता हूँ, तो देखिए नीचे में आपको जो है ट्रांसलेट हो चुका है। तो इंग्लिश में इसे हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं एक बार सुन लेते हैं। How are you? अब हिंदी में उसे कैसे सुनना है या कैसे बोलना है, क्या हाल है, तो काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए ये तो हो गया इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट, या इंग्लिश टू कोई भी लैंग्वेज में ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हो। और प्रोनाउंस के लिए इसके जो है प्रोनाउंस के लिए जो ऑप्शन है आप इसे सुन सकते हो इस तरह, क्या हाल है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब चलते हैं जो दूसरा ऑप्शन है, जो कैमरा का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। कैमरे पे यहाँ पे क्या होता है कि चलिए कोई भी अगर आप बाहर देश पे रहते हो और आपको लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होता है, तो सपोज़ कोई भी लैंग्वेज आप जैसे कि अगर आप चाइना में हो तो चाइनीज लैंग्वेज को कैसे आप कन्वर्ट करोगे और समझोगे इसे, तो आज इसमें हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो चाइनीज वर्ड लिखा हुआ है इसे हम ट्राई करेंगे इसे कन्वर्ट करने के लिए और समझने के लिए इंग्लिश वर्ड में। तो इस तरह आपको ये जो इंग्लिश लैंग्वेज चाइनीज लैंग्वेज है इसे आप रब कर ले इस तरह अच्छी तरह से। हो गया, अब सेलेक्ट, तो देखिए ये कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ में लिखा हुआ है टुडे इज 520, यू नो व्हाट शुड लास्ट रिप्लाई, यू शुड व्हाट, यू नो व्हाट इज शो लास्ट रिप्लाई। तो ये लैंग्वेज लिखा हुआ है इसमें। तो चलिए दूसरा कुछ ट्राई करते हैं। कैमरा ऑप्शन में चले जाते हैं, कोई भी एक जो लैंग्वेज है हम उसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, सपोज इसे हम सेलेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है, ये सिंबल का मतलब क्या है आज हम देखेंगे। नीचे में तो लिखा हुआ फायर, तो चलिए क्या हमारा जो गूगल ट्रांसलेट है वो उसे डिटेक्ट करता है या नहीं। अब इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह, अब सेलेक्ट, जी हाँ देखिए इसका भी निकल गया है फायर, फायरनेस बाइबल एविडेंस चाइनीज लैंग्वेज फायर, इसका मतलब जो सिंबल जो है इसका मतलब फायर। तो दोस्तों इस तरह जो ये एप्लीकेशन है आपका मदद करेगा ट्रांसलेट करने के लिए लैंग्वेज को इंग्लिश टू हिंदी, या तो हिंदी टू इंग्लिश,
चाइनीज़, आपको जो भी लैंग्वेज आपको ट्रांसलेट करना है इससे आप मदद हो जाएगा। प्लस अगर आप बाहर देश पे रहते हो या जाते हो घूमने के लिए और वहाँ का जो सिंबल है आपको पता नहीं है, समझ में नहीं आता, तो इस तरह इसकी मदद से आप इसे कन्वर्ट करके समझ सकते हो। तो आई होप दोस्तों मेरा जो आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारे एप्लीकेशन के बारे में तो नहीं बताया, सिर्फ 3 एप्लीकेशन के बारे में बताया जो सभी स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स प्लस जो स्कूल स्टूडेंट उनके लिए हेल्पफुल है, साथ ही साथ उन सभी दोस्तों के लिए जो इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा उन सभी को। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें। लाइक बटन के जो ऑप्शन है उसमें आप लाइक ऑप्शन जो है उसमें आप क्लिक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।